जी असल वरहमत लाला यार आज की वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के बारे में है तो सबसे पहले मैं अम्बेसी के जो इस वक्त नए सवाल चेंज हुए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे भाई जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस सवाल को लेकर दो तीन सवाल चेंज हुए हैं तो सवाल का तो कोई इतना मसला नहीं है ठीक है बिल्कुल जो है ना कोई वो बड़ी बात नहीं है अगर वो सवाल ये कर रहे हैं और काफ़ी बंदों से ये सवाल किए हैं क्योंकि काले भी बहुत आई है और हमारे एक बंदे का भी इंटरव्यू हुआ था तो उससे भी ये सवाल किया था सही है तो पहली बात तो ये एक पहली बात तो ये एक आपने घबराना नहीं है कोई भी सवाल करे आपने घबराना नहीं है आपका रिएक्शन जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो सही है यानी कि आपका जो है ना आप बुंदल ना जाया करें ठीक है तो यकीन करें चार पांच बंदों ने कॉलें कि ठीक है जब किया तो भाई यार बताए हमारा वीज़ा तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा यार कुछ नहीं रिजेक्ट होता आपका कोई मसला नहीं अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है उन्होंने सवाल जो किया इस वक्त जो एम्बेसी के अंदर सवाल चेंज हुए सबसे पहले ये सवाल कर रहे अभी दो तीन सवाल करने के बाद जो है ना लास्ट में पूछ रहे हैं बंदे से कि आपकी आप अपनी एफ़ आर सी दिखाएँ ठीक है एफ आर सी मांग रहे हैं तो बंदों के बाद बंदे अपनी एफ़ आर सी नहीं लेकर जा रहे और ना ही बंदों ने निकाली होती क्योंकि रोमानिया की जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ना एफ आर की एफ आर सी की ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी ये मालूम हो रहा है कि जो इंटरव्यू के दौरान जो है ना एफ आर सी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है तो उम्मीद है कि नेक्स्ट जो है ना वो एफ आर सी जो है ना रिक्वायरमेंट कर देंगे तो बाकी जो लड़के गए थे इंटरव्यू देने उनसे एफ आर सी मांगी तो उन्होंने जो है ना बोला कि हमारे पास नहीं है तो उन्होंने कहा कि इट्स ओके कोई नो प्रॉब्लम लेकिन वो बंदे कन्फ्यूज़ हो गए उधर जब एफ़ आर सी मांगी तो मेरे साथ बात भी की जो तो भाई हमारा वीज़ा तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा हमने एफ़ आर सी नहीं दी और मैंने कहा वो जस्ट उन्होंने सवाल किया कोई इतना मसला नहीं है अगर उनको ज़रूरत होती तो वो आपको बोलते है कि आप अपनी एफ़ आर सी जो है ना लेकर इधर सबमिट करनी है उनके डॉक्यूमेंट्स में आपकी एफ़ आर सी रिक्वायरमेंट नहीं है सही है तो ये आप जो है ना याद रखें उसके बाद जो है ना दो बंदे इस तरह भी हुए जो जिनका मेरे साथ रता हुआ उनका उनके साथ इस तरह हुआ बाकी जो अलग में होंगे उसका मुझे पता नहीं लेकिन दो बंदों के साथ उनसे तो बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा तो बर्थ सर्टिफिकेट उनसे मांगते हैं ये बात याद रखिए ये पहले भी किसी कोई ना कोई बंदे से ना बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं हर बंदे से नहीं कोई कोई शाद नज़र वो इसलिए मांगते हैं बर्थ सर्टिफिकेट जिनको अगर उनको डाउट हो ना का मिसाल के तौर पर यह बंदा मेरे सामने है और इसकी एज जो है वो ट्वेंटी सेवन लग रही है और ये पासपोर्ट के ऊपर जो है इसकी ट्वेंटी टू आ रही है ट्वेंटी थ्री आ रही है तो जब उनको शक या डाउट हो ना फिर उस वक़्त वो बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं अदरवाइज़ आपसे नहीं मांगते हाँ अगर आपसे मांगते हैं तो फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है तो वो जस्ट वेरिफिकेशन करते हैं तो आप उस वक्त उनको ये आंसर दिया करें कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है हमें नहीं पता था कि आपके ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट भी ऐड है अगर आप कहते हैं सर तो हम जो है ना कल ले आएंगे। इस तरह आप कर कर उनको सेटिस्फाई करना है ठीक है कोई उधर टेंशन नहीं लेनी क्योंकि उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट का सवाल ही इसलिए किया है कि आपकी एज का कोई इशू बन रहा है कि एज जो है ना आपकी कम लिखी है और लग आपकी ज़्यादा रही है तो इसलिए जो ना ये मसले उन बंदों के साथ हुए जिन बंदे का जिसका इंटरव्यू हुआ था उसकी ठत्तीस साल एज थी और वो लग भी रहा था तकरीबन कोई पैंतालीस या सैनतालीस का और मेरा ख्याल है शायद उन्होंने कम की भी हो तो इसलिए जिनके ऊपर उनको डाउट होता है उनसे ही वो बर्थ सर्टिफिकेट मांगते अदरवाइज किसी से नहीं मांगते और बहुत कम होता है ये तो बाक़ी वही नॉर्मली सवाल है और एक और बात है। तो एम्बेसी इंटरव्यू के दौरान न अभी ये सवाल जो है ना उन्होंने फिक्स कर दिया है हम हम कैसे मान लें कि आप जो है ना आगे मूव नहीं करेंगे तो इसका जवाब जो है ना ये रटना नहीं है आपने कि जो मसलन जहेब ने बोल दिया वही आपने बताना है या किसी और ने बोल दिया आपके एजेंसी वाले एजेंट ने बोल दिया वही बताना है? नहीं जो आपको सही लगता है जो आपको बेहतर लगता है वो बताएं जो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक हो सही है इसलिए कि अगर आप कोई बात है जो है ना मसलन जिस तरह एक रट्टा लगाया होता है रट्टा लगाए वाली बातें जब करेंगे ना तो उस वक्त जो है ना नाइन्टी परसेंट वीज़ा रिजेक्ट इसलिए होता है उनके रट्टे लगाए होते हैं जो ट्रेनिंग जो करवाई जाती है वही आप इंटरव्यू के दौरान बोल देते हैं तो इंटरव्यू आपका रिजेक्ट हो जाता है उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी थी आप लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और एफ आर सी और आगे मूव तो आगे मूव का जो है ना मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप ये बोला करें कि हम मैं मेरी ज़िंदगी का पूरा मेरी ज़िंदगी लेकिन थोड़ा सा आप चेंज कर दें हर बंदा एक मेरी ज़िंदगी का पूरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं कहीं भी गया अगर आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल किया ना मैं इलीगल जाना पसंद करता हूँ ना मैं इलीगल रहना पसंद करता हूँ मैं लीगल अपनी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद मुश्किल का सामना अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं बर्दाश्त कर सकता और मैं अपनी फैमिली को जो ना मजीद है ना मज़ीद मुश्किल जब मैं इलीगल जाऊँगा तो मेरे लिए मुश्किल होगी मेरी फैमिली के लिए मुश्किल होगी तो लिहाजा मैं रोमानिया के अंदर ही सेटल हूँ तो इसके जो है ना आप अपने हिसाब से इसको मेनटेन कर लें इन लफाजों को जिस तरह आपको बेहतर लगता है तो वो आंसर किया करे तो ये आप लोगों के लिए बहुत परफ़ेक्ट रहेगा उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी अपना ख्याल रखें